वहीं आज पूरे देश भर में गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। आज गोवर्धन के मौके पर मथुरा में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। 21 किलोमीटर की परिक्रमा के बीच ही गोवर्धन पूजा चल रही है। धर्म की नगरी मथुरा में आज के दिन गोवर्धन का उत्साह देखने को मिल रहा है। अन्नकूट का प्रसाद तैयार किया जा रहा है, तरह तरह के भोग तैयार किए जा रहे हैं और गिरिराज जी के दर्शन के लिए बहुत भारी भीड़ मथुरा में पहुंची हुई है। तो तस्वीरें आप मथुरा से देख सकते हैं किस तरह से गोवर्धन पूजा के मौके पर भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। लोग जो है 21 किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक का। फारूक, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा का मौका भी है, ऐसे में श्रद्धालुओं का किस तरह से जोश, किस तरह से उत्साह, और आप क्योंकि मौके पर मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखाइए दर्शकों को, किस तरह से जोश और उत्साह आज गोवर्धन पूजा के मौके पर। जी बिल्कुल रिया, मथुरा में श्री द्वारकाधीश पर हम खड़े हुए हैं। ये मंदिर है, यहाँ गोबर से बनाए गिरिराज महाराज का आज यहाँ पूजन हुआ है और अन्नकूट का पूजन हुआ है। मंत्रोच्चारण के साथ में यहाँ पर पूजन किया गया है। अन्नकूट भी यहाँ पर बनाए गए हैं, उनका भी पूजन हुआ है। और यह आपको बता दें कि यहाँ कुश्ती मार्ग संप्रदाय के ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर है। यहाँ अगर कोई श्री कृष्ण जन्मभूमि या ठाकुर बांके बिहारी जी अगर कोई भी श्रद्धालु आते हैं वो सभी लोग यहाँ राजा धीराज श्री ठाकुर बांके द्वारकाधीश जी के मंदिर पर जरूर दर्शन करने आते हैं। मेरे पीछे तमाम लोग बाहर के आए हुए हैं, वो खड़े हैं, मैं बात करता हूँ। कहाँ से आए हैं आप बताइए? एमपी पन्ना जिला एमपी से आए हैं आप लोग? हाँ, तो आपको दर्शन मिल गए? अभी दर्शन नहीं मिले हैं। तो आप जो है गोवर्धन जाएंगे, आज गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। वहाँ हो आए हैं हम लोग। हाँ हो आए, हमको यही दर्शन करके घर जाना, हम 5-6 दिन के निकले हुए। अच्छा अच्छा, यानी दीपावली आपने यही मनाई है? यही मनाई है जी। तो आप लोग सब यहाँ दर्शन के लिए आए हैं? मध्य प्रदेश के हैं आप लोग? देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इतनी जबरदस्त भीड़ है यहाँ पर रिया, कि यहाँ जो है लोगों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि 11 बजे कपाट बंद हो जाते हैं मंदिर के। अब शाम को 4 बजे मंदिर के कपाट खुलेंगे और ये यहाँ पर जो है फिर से दर्शन शुरू होंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं बताइए? यूपी से ही हो? यूपी से। अच्छा, यूपी कौन से जिले से आए हैं आप? मैनपुरी। अच्छा, मैनपुरी से आए हैं, तो आपको दर्शन मिले हैं? नहीं, दर्शन अभी नहीं है। अच्छा, तो आप लोग लेट हो गए। ये बताइए, आप गोवर्धन में आपने परिक्रमा करी है? आज गोवर्धन पूजा है? आज नहीं किया। जाएंगे अभी, निकलेंगे हम वहाँ के लिए। हाँ, तो हम एक्चुअली यहाँ आए थे, सबसे पहले यहाँ से निकलते हुए फिर गोवर्धन जाएंगे, तो बट हम लेट हो गए, तो इस वजह से। बट ये गुजारिश करेंगे कि यहाँ मथुरा समिति से कि मंदिर को पूरे 24 घंटे खोलने की अनुमति दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सही कहना है कि श्रद्धालु आते हैं और मंदिर के कपाट अभी बंद कर दिए गए हैं दिया, और भक्तगण जो है वो गुजारिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि मंदिर जो है 24 घंटे इस मौके पर खुले, लेकिन कुछ अपने नियम है, तो नियम के अनुसार जिस तरीके से 4 बजे मंदिर के कपाट खुलते हैं और 4 बजे जो है पूजा अर्चना होती है, तभी उसी मौके पर दर्शन होते हैं। हालांकि मंदिर के दर्शन 11 बजे तक हुए हैं लगातार जो है, तो उसको लेकर जो है तमाम श्रद्धालु, बिल्कुल कई बार श्रद्धालु लेट हो जाते हैं इस वजह से, जैसा आपने कहा कि 11 बजे तक सुबह दर्शन होते हैं, उसके बाद कपाट मंदिर के बंद हो जाते हैं। कई बार दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और निराशा देखने को मिलती है। ऐसे में ये भी जानिए, क्योंकि आपके आसपास अभी भी श्रद्धालु मौजूद है, उनसे जानिए कि क्योंकि गोवर्धन पूजा है आज, किस तरह से अनुष्ठान कर रहे हैं, किस तरह से पूजा अर्चना का क्या कुछ कार्यक्रम। हालांकि मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि इनकी मौजूदगी, अब आगे किस और मंदिर में जाने की जो है तैयारी, या जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा की बात एक सामने आती है, उसकी कई तरह से खास मान्यता होती है, तो उसको लेकर क्या कुछ श्रद्धालु के मन में? जी आप बताइए कि आप जैसे कि जो आज गोवर्धन पूजा है और अलग उसकी मान्यता होती है, तो गोवर्धन पूजा पे गिरिराज महाराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा भी लगाई जाती है, उस पर आपका क्या कहना है, किस तरीके से आप अब यहाँ से जाएंगे? देखिए, मैं गोवर्धन की परिक्रमा पहले भी लगा चुका हूँ,
और अगर आज समय से पहुंच गया तो आज भी लगाने की कोशिश। आज जो विशेष महत्व है, विशेष महत्व में गोवर्धन पूजा का आज विशेष महत्व होता है, तो हम तो सभी सभी श्रद्धालुओं से कहेंगे कि सभी लोग लगाएं जाके, क्योंकि ये विशेष पूजा मानी जाती है, साल में एक बार ही आता है। आप दोनों आ जाइए इधर। क्या नाम है आपका बताएं और कहाँ से आप आए हैं? रेनू दिल्ली से आया। दिल्ली से आए हैं आप, तो आप गोवर्धन पूजा है आज का बहुत महत्व है, तो आपने अभी दर्शन किए यानी, और जो गोवर्धन में आपने किए अभी पूरे दर्शन पूरे नहीं, हमें थोड़े से हुए हैं बस। अच्छा, तो जो जो जिस तरीके से गोवर्धन पूजा की गई है उसमें आप शामिल हुए हैं? नहीं अभी नहीं हुए हैं। हाँ, तो गोवर्धन का जैसे कि महत्व होता है, गोवर्धन महाराज दान घाटी जाते हैं गोवर्धन, और वहाँ पर 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे बताइए? आपने लगाई परिक्रमा? हमने नहीं लगाई है, बस ये कोशिश करेंगे कि जब जब हम बुलाएंगे तो हम जाएंगे, हम लोग कैमरे के सामने। अच्छा, तभी आप लोग दर्शन कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह है फारूक की दूर दूर से जो है, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा का मौका भी है, और यही वजह है कि दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं देश विदेश से, वो आज मथुरा पहुंच रहे हैं भगवान का आशीर्वाद लेने, और जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है उसके लिए भी तैयारियां हैं। फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।